एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वो एक लीडर है, अगला काम वो क्या करेगा? एक्शन प्लान, प्लानिंग करेगा कि ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा। तो आप लोग लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, तो होना ये चाहिए कि महीने की एक तारीख को हर महीने का लक्ष्य तय होना चाहिए। जो गोल है वो तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आपने ख्वाब देखा कि मुझे 90 लाख का घर चाहिए 5 साल बाद, तो 5 साल में जो आपकी यात्रा रहेगी वो हर महीने की रहेगी, यस और नो? हर महीने एक गोल होगा, उस लक्ष्य को, छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए आप अपना बड़ा लक्ष्य पूरा करेंगे। तो 5 साल का वो जो गोल है 90 लाख का, उसको पहले 5 मिड टर्म गोलों में तोड़ोगे, यानी वार्षिक गोल। और ये जो गोल होगा ये विद कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा? क्योंकि बड़ा पावरफुल शब्द है प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तो लीडर की एक डेफिनेशन ये होती है कि लीडर कभी हार नहीं मानते ना हारते। तो प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आप जीत भी नहीं पाएंगे। तो अच्छा लीडर बहुत ही अच्छी प्लानिंग करता है, बहुत प्रैक्टिकल प्लानिंग करता है, और खुद भी चलता है और दूसरों को भी चलाता है, और अंतिम में लक्ष्य हासिल करके छोड़ता है। अच्छा लीडर की डिक्शनरी में फेलियर शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या, फेल तो हो सकते हैं। हां हो सकते हैं, लेकिन लीडर फेल होने के बाद दोबारा कोशिश करता है, फिर फेल होने के बाद फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर फेल हो जाए तो फिर कोशिश करता है, फिर फेल होता है तो फिर कोशिश करता है, और वो अपना तब तक कोशिश करता है जब तक वो जीत नहीं जाता। इसलिए उसके लाइफ में फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता। फेलियर उसका जर्नी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फेलियर उसका अंत नहीं होता। वो भागता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। लीडर कभी गिव अप नहीं करता, लीडर लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक वो जीतता नहीं। जब तक आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप गेम में हारते हैं जीतते हैं यह तय होता है गेम खत्म कब हुई। लीडर की गेम तब तक खत्म ही नहीं होती जब तक वो जीतता नहीं। वो हर फेलियर में कमियां ढूंढता है, एरर ढूंढता है, गलतियां ढूंढता है, उसको इंप्रूव करता है, दोबारा उठ के खड़ा होता है। और एक गुण उसके पास है, उस गुण का नाम क्या है? लीडर साहसी होता है, लीडर फाइटर होता है। इसलिए वो कितनी बार भी गिर जाए उसका मोरल डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो ऊंची ऊर्जा का स्वामी है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड का स्वामी है। वो हर हार में एक पॉजिटिव बात ढूंढता है, क्योंकि वो उसका करेक्टर है, वो उसका चरित्र है। अगर वो चरित्र उसके पास होता ही नहीं तो वो हार से डगमगा जाता। हार तो उसका खिलौना होता है, हार से तो वो खेलता है, और वो खुद भी खेलता है और अपनी टीम को भी खिलाता है। जितनी बार गिरेगा उतनी बार उठेगा लीडर, और उतनी बार दुगनी ताकत से लड़ेगा और अल्टीमेटली जीत हासिल करेगा। लीडर की डिक्शनरी में हार शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके लिए फेलियर हाईवे है सक्सेस का। फेलियर सफलता की यात्रा में पढ़ने वाले कुछ पड़ाव छोड़ के उसके लिए कुछ भी नहीं है। और उसकी लाइफ में फेलियर कम आए, फेलियर ना आए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो प्लानिंग कैसी करता है। अब मेरा इसमें एक आपको बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कहने के लिए। एक लीडर ने अपने लक्ष्य के हिसाब से प्लानिंग की, अगर वो प्लानिंग फेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर खराब है। मेरी बात पे गौर करिएगा। अगर एक लीडर
लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य के हिसाब से प्लानिंग की और उस पर काम किया और वो फेल हो गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो लीडर खराब है। लीडर रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, रिजल्ट सिर्फ एक बैरोमीटर है मेजर करने का कि सफलता मिली या नहीं मिली। लीडर यात्रा पे फोकस करता है, लीडर एफर्ट्स पे फोकस करता है। वो देखता है कि पूरे महीने जो मैंने काम किया उसमें क्या कमी रह गई कि ये रिजल्ट आया। वो रिजल्ट को पकड़ के सिर नहीं मारता, उस यात्रा पे फोकस करता है क्योंकि वो यात्रा उसे सिखाती है। फेलियर आपका सबसे बड़ा टीचर है। अगर आप फेल होते हैं तो आप सीखते हैं, अगर आप कामयाब होते हैं तो आप एंजॉय करते हैं। दोनों में कोई लॉस नहीं है। दुनिया में कोई भी महान आविष्कार ऐसा नहीं हुआ जिसने फेलियर के मुंह नहीं देखे। अभी सरबजीत जी ने आपको अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया, अभी आपने मंगल ग्रह पे देखा कि हम एक ऑर्बिटर वाले में जो लैंड करना था, क्या नाम था उसका, विक्रम, उसमें हम कामयाब नहीं हुए, तो क्या ये उनका फेलियर है? क्या लगता है उन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो? वो फिर कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली चांद पे रोबोट नहीं आदमी भी लैंड कराएंगे वो, क्योंकि वो सच्चे लीडर हैं, हार मानने वाले नहीं, निराश होने वाले नहीं। उनके पास वो सारे गुण है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताए, वो पॉजिटिव ऊर्जा के स्वामी है, वो चरित्रवान है, वो ऊर्जावान है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, महत्वाकांक्षी हैं। वो हर बार गिरेंगे, हर बार उठेंगे, कितनी भी आंधियां चले ये दिए कभी नहीं बुझेंगे। ये लीडर की क्वालिटी होती है। तो एक लीडर अपने लक्ष्य के हिसाब से बेहतरीन प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग पर काम करता है। फेल होता है तो प्लानिंग को और इंप्रूव करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, अगली बार और बेहतर प्लान बनाता है, और बेहतर प्लान बना के फिर प्रयास करता है, और यह सिलसिला तब तक जारी रखता है जब तक वो अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले। ये गुण एक और गुण है लीडर का, लिख लीजिए, क्लियर है। अगला गुण लीडर का जो होता है वो ये है कि एक लीडर एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच रखता है। तो अगला गुण है प्रोफेशनल अप्रोच। इसको आप बोलेंगे पेशेवर दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब है? आप जो प्लानिंग करेंगे अगर आप उसमें प्रोफेशनल अप्रोच नहीं रखेंगे तो फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। लोग कोई काम दो वजहों से करते हैं, एक काम करते हैं वो मनोरंजन के लिए और एक काम करते हैं कोई मुकाम हासिल करने के लिए। उदाहरण है क्रिकेट का, आप जब गलियों में अपने कपड़े धोने वाली थापी से क्रिकेट खेलते हैं तो ये आपको हैप्पीनेस देगा। क्या देगा? हैप्पीनेस, खुशी देगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि आपको भारतवर्ष की राष्ट्रीय टीम में सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर बैटिंग करनी है, धोनी की कप्तानी में बैटिंग करनी है, विराट कोहली के साथ खेलना है, तो उस लक्ष्य के लिए जो आपने योजना बनानी है वो पेशेवर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, गली में खेल के नहीं मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको भी यहां प्रोफेशनल प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल टूल से मेरा क्या मतलब है, इन बातों को लिख लेना संजय वर्मा जी, सरबजीत जी से प्रश्न पूछेंगे आपको। सबसे पहले जो भी रास्ता आपने अपनाया अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मान लीजिए ग्लेज बनाया, ग्लेज का उदाहरण ले लेते हैं, सबसे पहले आप खुद
ग्लेस की सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कीजिए। तो पहला प्रोफेशनल नजरिया है टेक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लीजिए। दूसरा है कि आपको प्रोफेशनल ड्रेस कोड करना चाहिए, यानी अपने बिजनेस के हिसाब से जो ड्रेस कोड हो वो पहनना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बिजनेस के मुताबिक होनी चाहिए, इसके लिए आप बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग कीजिए। आपको सारे रूल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, एथिक्स हैं, आचार संहिता है, जो भी आपको नियम कायदे कानून बताए गए हैं उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए। अगर आपकी टीम है उसमें भी आप मिलजुल कर कुछ नियम कायदे बनाइए, और एक बार जब आपने नियम कायदे बना दिए, चाहे आप ही की अध्यक्षता में वो नियम बने हैं, और एक लीडर जब एक बार सारे नियम कायदे बना देता है तो वो उसकी रेस्पेक्ट करता है और उन कायदों को अपने से भी ऊपर मानता है। ये वैसी बात है दोस्तों, अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री है संसद में बैठकर सारे के सारे प्रजा द्वारा चुने हुए नुमाइंदे सभी नेता ने मिलके जो कानून बनाए हैं, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, कोई भी नेता उस संविधान से ऊपर नहीं है। क्या है क्या? तो एक लीडर जब अपनी छोटी सी टीम में बैठकर कोई नियम और कानून बनाता है तो वो उसकी टीम का संविधान है। तो ये लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो उस संविधान की खुद रिस्पेक्ट करे, और वो संविधान उससे ऊपर नहीं है। अगर उस लीडर से कुछ गलती होती है तो वो संविधान के मुताबिक अपनी उस गलती को स्वीकार करे, ये नहीं कि अरे मेरे पे ये नियम लागू नहीं होता। तो प्रोफेशनल लीडर्स नियमों की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। नो नेपोटिज्म, नो फेवरिज्म। कोई भी अच्छा लीडर, नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजा वाद। नेपोटिज्म को हिंदी में कहते हैं भाई भतीजा वाद। आपके नेटवर्क में हो सकता है आपका सगा भाई, आपका कजन, आपका चाचे का लड़का, आपका बहुत प्रिय मित्र आपके साथ काम करता, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा आप लीडर हैं, और लीडर न्यायप्रिय होता है। कभी भी किसी को फेवर करने वाला व्यक्ति, उसकी अखंडता यानी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उस आदमी की रिस्पेक्ट नहीं होती। सूर्यवंशम पिक्चर देखी है आपने? वो शानदार मिसाल है इंटीग्रिटी की, अखंडता की मिसाल है। तो अच्छा लीडर कभी नेपोटिज्म नहीं करता। अच्छे लीडर जो व्यक्ति योग्य हैं उन्हीं को उपाधियां, उन्हीं को प्राइज और उन्हीं को मुख्य सीटों पर बिठाते हैं। जस्टिस, अच्छा लीडर न्याय करता है। फॉलो एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पेशेवर और प्रोफेशनल लीडर है वो कंपनी के एथिक्स रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। फॉलो अपलाइन। अच्छा प्रोफेशनल लीडर अपनी अपलाइन को सम्मान देता है और फॉलो करता है। अब मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं, अच्छा लीडर, प्रोफेशनल लीडर अपनी अपलाइन का सम्मान करता है, अपनी कंपनी का सम्मान करता है, यह उसका धर्म है, यह उसका फर्ज भी है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे अगर मेरी अपलाइन खराब है, मेरी अपलाइन मेरे से गलत करती है तो क्या करूं? आप किसके लिए लीडर हैं? डाउनलाइन के लिए कि अपलाइन के लिए? आप अपने डाउनलाइन के लीडर हैं। आपको अपने एक्शन में इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं और उसकी वजह से आपकी डाउनलाइन का लक्ष्य खराब होता है तो आप अच्छे लीडर नहीं। एक अच्छा लीडर सैक्रिफाइस करने वाला भी होता है। एक अच्छा लीडर वो होता है, जैसे हमने गुण बोला, जो दूसरों की मदद करता है। तो सबसे पहले आपको किसकी मदद करनी है? आपकी डाउनलाइन की। आपको उनका जीवन बदलना है, और अगर उनके जीवन को बदलने के लिए अगर आपको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है जहां आप कष्ट से
सहगे भी अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये अपवाद है कि आपकी अपलाइन खराब है। हो सकता है आपकी डाउनलाइन की अपलाइन खराब ना हो। जब आप अपनी अपलाइन की बुराई करते हैं डाउनलाइन के आगे, तो आप डाउनलाइन को ये संस्कार देते हैं, सिखाते हैं कि अपलाइन की बुराई करनी चाहिए। आपकी टीम का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अगले भाग में उसके बारे में बात करूंगा। तो इसलिए एक प्रोफेशनल नेटवर्कर कभी भी अपनी अपलाइन का, अपनी कंपनी का, अपनी डाउनलाइन के सामने बुराई नहीं करते, क्योंकि इससे एक नियम और टूटता है। वो नियम क्या है कि लीडर पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति होता है। जब आप कोई नकारात्मक बात करते हैं तो आप इस नियम को तोड़ते हैं, जिसका मतलब है आप अभी लीडर नहीं हुए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर बात में पॉजिटिव बात ढूंढता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपलाइन के अत्याचारों को सहिए, उसके लिए आप सही प्लेटफॉर्म पर बात कीजिए, मगर डाउनलाइन वो प्लेटफॉर्म नहीं है। डाउनलाइन को तो आपसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे माँ खुद भूखी होती है मगर बच्चों को नहीं बताती कि मैं भूखी हूं, उन्हें खाना खिलाती है। तो अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी डाउनलाइन को वो देता है जो उसको चाहिए सफलता के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा लीडर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड रखता है। अच्छा लीडर, प्रोफेशनल लीडर, सारे डॉक्यूमेंटेशन रखता है, सारे रिकॉर्ड रखता है, प्रॉपर फॉलोअप करता है। और उन डॉक्यूमेंट से रिपोर्ट तैयार करता है और उसको पढ़ता है। जो डाउनलाइन पीछे रह गई है उनको मोटिवेट करता है। अच्छा लीडर अच्छे से ट्रेनिंग लेके स्किल होता है और अपनी डाउनलाइन को भी स्किल करता है। स्किल का मतलब काम में कौशल बनाना। कुछ टेक्निकल टूल सीखने पड़ते हैं तो एक प्रोफेशनल लीडर वो सीखता है। जैसे आज कंप्यूटर का युग है, आज आईटी का युग है, अगर आप इस बदलाव को समझेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। अच्छा लीडर इसको एक क्रांति की तरह लेता है और वो जानता है, प्रोफेशनल लीडर जानता है कि मेरी टीम में जो जो लोग कंप्यूटर सीखेंगे उनके जीवन में बदलाव आएगा, इसलिए पहले वो खुद एक लैंप बनता है, यानी खुद कंप्यूटर के लिए जरूरी जो सीखना है सीखेगा और उसके बाद डाउनलाइन को खुद ट्रेनिंग दे देके उन्हें सिखाएगा और उसके बाद उन्हें भी बोलेगा कि आप भी सिखाओ ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए। तो ये एक प्रोफेशनल लीडर की के गुण है। अभी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपने सिर्फ ये समझा है बी ए लैंप, एक अच्छा लीडर के बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए। भाग दो है क्रिएट चेन ऑफ लैंप। दूसरे भाग में हमें सीखना है कि हम जीवन दूसरों का कैसे बदलेंगे, कैसे लोगों को ऐसे ही लीडर बनाएंगे, वो भी मैं बात करूंगा।